हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ दूसरा बंदा है, आज बंगाली, हाँ नेपाली बाबू है। बंगाली बाबू को आज छोड़ दिया, बहुत हंसता है इसलिए उसको आज छोड़ दिया। उससे हो भी नहीं करेगा काम, क्योंकि फोर्क्लिफ्ट से लोड करना है। हाँ, उससे हो भी नहीं करेगा। और आज लिए हैं दूसरा गाड़ी और चल रहे हैं लोड करने के लिए। आज लिए हैं बूम ट्रक, अब बूम ट्रक से लोड करके लाना है रेड टाइल्स। चलते हैं फिर निकलते हैं रास्ते में। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बहुत भाइयों लोग का कमेंट आ रहा था कि सैलरी कितना है, सैलरी कितना है, सैलरी कितना है, तो मैं भी बोला चलो खुल के बोलते हैं। और आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई आदमी आपको झूठ थोड़ी बोलेगा कि सैलरी कितना है। ठीक है, टेलर नया आदमी का जो लाइसेंस यहाँ बनता है ना सऊदी अरब में, जो लाइसेंस आपका यहाँ आके आप, अगर लाइसेंस आपका रिटर्न है, अगर रिटर्न आदमी है तो 1800-1500, आप जैसे कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस जो नए बंदे आते हैं, देखिए नए बंदे आएंगे उनका 1200 लगेगा। अगर ट्रांसपोर्ट में आना है तो ट्रांसपोर्ट में जैसे ट्रेलर ड्राइवर है, ट्रेलर ड्राइवर का सैलरी 1200 है प्लस ट्रिप है। जहाँ जहाँ का ट्रिप मिलेगा, जद्दा, कसीम, हायल, मगर आपको पूरा सऊदी अरब ही घूमना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट में यही है और ट्रांसपोर्ट में ट्रिप के ऊपर है। और देखिए इतना पहले का जैसा आसान नहीं है चलाना, फिर भी कॉन्सेंट्रेट ड्राइविंग जो आदमी करता है, आदमी क्या है ना, अपने यहाँ इंडिया का बेसिक इंडिया का क्या है ना, आदमी गाड़ी बड़े गाड़ी इंडिया में इसलिए नहीं चलाता है कि पुलिस का झंझट बहुत है। हर स्टेट में अलग अलग जाएंगे, अलग अलग पैसा आपको देना पड़ता है, कहीं 100-150। हम भी चलाए हैं मगर बड़ी नहीं चलाए, हम छोटी चलाए हैं, कमर्शियल चलाए हैं, पिकअप तक चलाए हैं, मगर गल्फ में तो हेवी में ही, पहले शुरुआत हेवी से ही हुआ था। और मेरा अपना, मैं अपना क्या बोलते हैं, अपना तरुजा मतलब अपना जो क्या बोलते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा, एक्सपीरियंस, हाँ अपना एक्सपीरियंस है। मैं बड़ा गाड़ी इंडिया में चलाया ही नहीं। जो भी मेरे नए भाई हैं, जो भी मतलब सोचते हैं कि क्या पता जाके चला पाएंगे कि नहीं बनाएंगे, देखिए कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कोई भी चीज़ का। मैं इंडिया में टेलर पे आज तक बैठा ही नहीं है। जो मेरे दोस्त पुराने हैं, अगर वो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनको भी पता है। हमारा एक दोस्त है, जहां हम भी नए नए जब आए थे तो हमको एजेंट, मैं छोटा गाड़ी पे उधर इंटरव्यू दिया था, मगर मैं इधर आया तो बड़ा गाड़ी जब मैं देखा तो मैं सोचा ये चलेगा कैसे, मगर क्या बोले ऊपर वाला का दुआ था। एक विनोद भाई करके नाम के थे, विनोद भाई कुशीनगर के हैं, यूपी के। उनने बोला कि भाई टेंशन मत ले, तू लाइसेंस पे कंसंट्रेट कर, लाइसेंस तेरा आ जाएगा, गाड़ी हाथों हाथ मिलेगी। तो उस टाइम क्या था कि लाइसेंस बनने पे सैलरी चालू होता था, अब क्या है लाइसेंस बने चाहे ना बने आपका सैलरी चालू हो जाएगा, आते आते आपका सैलरी चालू हो जाता है। और बेसिक हर कोई जो गल्फ का इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता है ड्राइवरी लाइन में, ये कोई नहीं बताता है। देखिए भाई आना है, गाड़ी मिलेगी, गाड़ी कंपनी की नहीं, गाड़ी आपकी है। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, टायर फट गया, गाड़ी का इंजन में कुछ हो गया, बाकी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है वो आपकी सैलरी से ही कटेगी। 90% कंपनी का यही रूल हो चुका है। हम भी जिस कंपनी में हैं, आज हमसे कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए, हमारा ही कटता है, उसमें झूठ क्या बोलना है। यहाँ का कंपनियों का सिस्टम ही ये है। मैं भी, ये मेरा चौथा कंपनी है, आज तक कंपनी ऊपर वाला का दोबारा सही मिला नहीं, और इसमें भी मैं ज़्यादा दिन रुकूंगा नहीं। मेरा 14 महीना हो गया है, नहीं हाँ 14 महीना हो गया, 10 महीना और बचा है, अपना एग्रीमेंट पूरा करेंगे फिर वापस जाएंगे और अच्छा कंपनी देख के आपकी बार ट्राई करेंगे। ऊपर वाला का दुआ हुआ तो अच्छा कंपनी देख के आएंगे, ऐसे भी खा पी के मैक्सिमम आप लोग का सैलरी बच ही जाएगा। आप लोग कमेंट में करते हैं कि कितना सैलरी है, कितना सैलरी है। देख भाई यहाँ आओगे तभी पता चलेगा
तीन महीना चार महीना दिक्कत होगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। और तो कोई बात का दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलाइए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मिला? अरे कुछ नहीं, होटल में लौटा बस। तो ये क्या लेके आया? बीमारी? बीमारी? अरे तो मिरिंडा ले लेता। मिरिंडा नहीं था इसलिए तो बोला ना, कुछ नहीं मिरिंडा नहीं। तो एक बकाला था, एक सैंडविच वाला बकाला था, उसमें भी देख लेता। उसमें नहीं था, होटल वाला में था। उधर सैंडविच वाला बुफिया में मिरिंडा फिरिंडा सैंडविच वन भी सब मिलता है। तो उसी में तो किया था, जो सामने बोला खुला था वो ही। 10 रियल में 2 ही रियल वापस किया? 3 रुपए देता है ना। भेजा था क्या लाने लाया क्या? नहीं कुछ भी नहीं था, वो भी ले लिया। वो स्प्राइट सब था, वो ले लेता। ये बीमारी वाला खांसी वाला दवाई ले लिया, ये तो और अच्छा नहीं लगता है। पेप्सी था, स्प्राइट था। तो यही बात है। अच्छा लगा आप लोग कमेंट किए, फिर भी और सबसे ज्यादा जितना आपका सैलरी नहीं है ना उससे ज्यादा यहाँ फाइन है। रेड लाइट अगर तोड़ दिए तो समझिए 2 महीना 3 महीने का सैलरी गया। सीट बेल्ट का वही है, कैमरा का वही है। अब तो पहले था कि फोन ओन पे चाहे रास्ता में आदमी खाते पीते गाड़ी चला लेता था, मगर अब वो सिस्टम नहीं। हर 20 किलोमीटर पर कैमरा लगा हुआ है, गाड़ी चला भी रहे हैं कैमरा की तरफ पानी पी रहे हैं तब भी आपको फाइन आना ही आना है। सीट बेल्ट का तो है ही, ओवरटेक का, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी का ठीक है, मीडियम तक ठीक है, मगर बस हो गया बड़ा, ट्रेलर हो गया, इसमें आप ओवरटेक नहीं कर सकते। इस साला उसको देखो वैलिड कर रहा है, ऐसा ऐसा तो आदमी। उधर बाथरूम नहीं था तो ये कोई बात है, और आपको आगे चल के दिखाते हैं। देख लीजिए हमारे गाड़ी में टाइल लोड हो रहा है, और ये टाइल पूरा लोड हो रहा है। टाइल का फैक्ट्री है जो तमाम के बगल में खोबर है, इस लोकेशन में है। बंदा खड़ा है और गाड़ी लोड करके बेल्ट मारना है। बेल्ट मार के हर जगह हेल्पर मिलता नहीं है, मगर हमारा साइड का बंदा है तो हमारा मैनेजर दे देता है, बोलता है लेके जाओ, मुश्किल नहीं है। मैं तो भाई अकेले में तो बहुत मुश्किल है। गाड़ी चलाना भाई। और एक बात, कंपनी में जो भाई आने वाले हैं वो समझ लीजिए भाई बताए थे कि इसको सीधा करके रखना, और गलती से ये हो गया, टंकी को बेंड कर, थोड़ा और जाएगा तो टंकी फट जाता। क्या करें भाई, कितना संभाले, ये गाड़ी चलता नहीं। उतारने के लिए इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो गाड़ी है ना इसका सैलरी अलग है, जो ट्रक के साथ लोडिंग सेफ्टी के साथ। अरे राजेश बाबू, तमकुआ बन गया, जल्दी बना।
और ये गाड़ी लोड उड करके निकल गए हैं। आगे कैमरा बात कैमरा जरूर कैमरा है कैमरा आगे कैमरा है इसीलिए मोबाइल हाथ में से नीचे रख दिए हैं। ठीक है भाई कैमरा का बहुत मुश्किल है मेरे भाई। दुबई बहरी वो सब छोड़ो अभी गाना बजाओ आराम आराम से चलो। गाना नहीं बजा क्या बनाया पूरा बना और दे तू अपने लिए बना ले नहीं हो पाएगा कम मैं खाता नहीं है भाई मोटा शरीर है मोटा चाहिए शरीर यानी खाना पीना। आगे अल्तरिस पंप है ना मेरे को मालूम नहीं मेरी नहीं है गाड़ी में डीजल कम है डीजल भरना है क्योंकि ये डीजल चिप वाला सिस्टम है ना अल्तरिस का तो इसके वजह से आदमी को दिक्कत होता है। और ये हम लोग बहरीन रोड पे हैं वो वाला रोड साइड जो सीधा है वो सीधा आपको बहरीन उबरी के पास ले जाएगा बॉर्डर के पास और ये रोड सीधा अलासा जा सकते हैं दमाम भी जा सकते हैं खोबर के एरिया में है। बहुत मुश्किल है रोड पे गाड़ी चलाना सेम इंडिया का जैसे समझिए इंडिया में जैसे पुलिस पैसा लेता है लो ना वहाँ यहाँ बस कैमरा का खेला है बस। मगर रोकने वाला झंझट नहीं है यहाँ पे यहाँ का रूल इतना अच्छा है ना एक्सीडेंट हो भी जाएगा फिर भी कोई बोलने वाला नहीं है कोई मारने वाला नहीं है और जो आप गलती करोगे उसके लिए तो फाइन है ही 5-0 खिला स्पेशल अपने भारत में तो बाप रे बाप भाई रोक रे तो मैं बेल्ट चेक कर लेता हूँ मेरे को सब हो रहा है चेक कर लेता हूँ बहुत अच्छा क्यों तो? चेक कर लेना क्या चीज भाई रख के ऊपर भी चेक कर दो